हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका फिर से एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज का मैच होने जा रहा है रॉयल रंबल में, टैग टीम मैच। गाइस बने रहिए वीडियो में। गाइस बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार मैच रहेगा। चलिए करते हैं मैच की शुरुआत। तो रेफरी के इशारे के साथ मैच की स्टार्टिंग होती है यहाँ पर। एले नाइट और रैंडी ओटन आपस में भिड़ते हुए यहाँ पर आते, DDT दिया है एले नाइट ने और कवर करेंगे स्टार्टिंग में ही। वन किकआउट, कितनी आसानी से किकआउट कर दिया उन्होंने और उन्होंने इतनी जल्दी कवर भी कर लिया। तो एलेन आउट को वापसी करते हुए DDT यहाँ पर रैंडी ओटन और कह रहा है वापसी ले लिया तुझे मिल गया। तो यहाँ पर बिग बूट दिया है एलेन नाइट ने, दोबारा कवर करेंगे। वन किक आउट। तो गाइस आज का मैच स्टार्ट होते हुए गर्मा गर्म मैच में सब मज़ा लीजिए इस मैच का। और गाइस जिस जिन्हें हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा गाइस, वो चैनल सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए पसंद आए तो। चलिए मैच में आगे बढ़ते हैं। तो एले नाइट ने टैग दे दिया और आ गए हैं, दोबारा से वापसी टैग दे दिया है जिस स्टाइल ने। तो रैंडी ओटन अकेले भिड़ते हुए इस टाइम और फिर दोबारा कवर करेंगे एले नाइट। वन, आज एले नाइट को बहुत जल्दी है कवर करने की। और रैंडी ओटन अगर सही समय पे इनको RKO लगा दे तो सारा समय निकल जाएगा इनका तो वैसे भी। चलिए टैग दे दिया, लीगल हो गए हैं रोमन रिंग्स और आ गए हैं मिड सेक्शन में हमला करके। तो वापसी पलटवार करते हुए यहाँ पर एले नाइट में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई, ये रैंडी ओटन को ऐसे शॉट लगा रहा है। चलिए वापसी करते हुए यहाँ पर समोन ड्रॉप्स के साथ रोमन रिंग्स। अभी तो लग रहा है गाइस रोमन रिंग्स जो है अभी उनका जलवा दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में अपना। ये देखिए शुरुआत हो गई, आ गया जोश। तो एले नाइट के अंदर जितनी फुर्ती थी ना सारी फुर्ती ख़त्म कर देंगे अगर ये अपने पे आ गए तो। यहाँ पर टर्न बगल पे सीधा ले आके हमला करते हुए रोमन रिंग्स। चलिए रिवर्सल कराया यहाँ पर एले नाइट ने, रोमन रिंग्स को ज़्यादा मौका न देते हुए यहाँ पर वापसी करी एले नाइट ने। ये टैग बदलते रहते हैं फ़ौरन जाकर, इतना ये नहीं, ये लोग नहीं बदलते जितना ये बदल रहे हैं एले नाइट और AJ स्टाइल, यही इनकी चलाकी है इस मैच के अंदर। चलिए कवर। वन, तो सामने वाले को कवर करते हैं ताकि उसका मनोबल उसका गिर जाए। और ये बिग बूट से स्वागत कर रहे थे लेकिन बचा लिया अपने आप को। यहाँ पर रिवर्सल करते हुए दोबारा से रोमन रिंग्स। आज जो ना रोमन रिंग्स और रैंडी ओटन थोड़ा सुस्त लग रहा है मैच में, पता नहीं क्या बात है। जिस तरीके से खेलते हैं ना वो तरीका आज इनका दिख नहीं रहा। यहाँ पर एले नाइट को ज़्यादा ही चतुराई दिखा रहे हैं बस, क्योंकि जो जिस शक्ति से खेलते हैं ना रोमन रिंग्स और ये AJ स्टाइल, ये अलग ही स्टाइल है इनके दोनों के खेलने के। चलिए टैग देंगे रैंडी ओटन ओपन लीगल और AJ स्टाइल तो बाहर ही निकल गए। और इसका खामियाजा भुगतेंगे, कौन भुगतेगा, गए नहीं, मुझे लग रहा था AJ स्टाइल की तरफ जाएंगे रैंडी ओटन। चलिए वापसी भेजा, ये देखिए गए, इनकी आदत है करने की कुछ ना कुछ। अंदर जाइए, लीगल आदमी से लड़िए बस। तो इसका फायदा उठाया यहाँ पे एले नाइट ने, मैच में पकड़ बनाने की कोशिश है गाइस। नेक ब्रेकर एले नाइट तो कुछ ज़्यादा फुर्तीले लग रहा है मुझे इनके मुकाबले दोनों के। रोमन रिंग्स भी स्लो है आज और ये भी स्लो है रैंडी ओटन। और ये जो स्टाइल हो ये दोनों में तो बहुत ही ज़्यादा फुर्ती दिख रही है आज के मैच में गाइस। जबकि दोनों टीम तगड़ी है, AJ स्टाइल की टीम हल्की है और रोमन रिंग्स और रैंडी ओटन की टीम थोड़ी सी इनसे मजबूत टीम है। चलिए आइए, वन टू, और ये जब से आए कवर करे आ रहे हैं लेकिन ये इन्होंने कवर नहीं करा है अभी एक दफ़ा भी। तो इसका खामियाजा भुगतना है, अपना ध्यान भटकाया तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ गया AJ स्टाइल को। चलिए पहला कवर है, वन किक आउट पहली दफ़े में। तो मैं कह रहा था गाइज आज के मैच में गाइज ये दोनों स्लो चल रहे हैं, पता नहीं क्या बात है आज। कहीं ऐसा नहीं आपसे दुश्मनी की वजह से, क्योंकि इनकी भी आपस में लग रही है आज, इनको पार्टनर बना दिया हमने, ये भी हो सकता है। यहाँ पर AJ स्टाइल अपना स्वेग दिखाते हुए और रैंडी ओटन कोशिश कर रहे हैं मैच में वापस आने के लिए। कवर करेंगे फिर दोबारा से, बड़े स्लो चल रहे हैं दोनों ही, पता नहीं क्या बात है। देख रहे हो ना उसको बचाने गया तो पता नहीं क्या कर रहा है। सबमिशन मूव में ले लिया गाइस, बचा लेंगे वैसे तो रोमन रिंग्स यहाँ पे खड़े हुए। ये क्यों आए हैं बेकार में,
ऐसा ना ये इन्हीं को पीट दें वो। चलिए लग गया था उनका। एजे स्टाइल तो कुछ ज़्यादा ही फुर्ती रहे, एले नाइट और एजे स्टाइल आज लग रहा है दोनों के अंदर पता नहीं कौन सी पावर भरी हुई है। पंचिंग मशीन बन गए, देखिए गाइस पता नहीं क्या आज क्या खा का है दोनों। ये ऐसी तगड़ी टीम पे भारी पड़ना है रोमन रिंग्स पर और रैंडी ऑर्टन पे गाइस। अभी देखते हैं आगे क्या होता है मैच में। तो चलिए फिनिशर की तैयारी है गाइस, कवर करेंगे। 1 2 3 रेजिडेंसी गई गाइस। देखो रोमन रिंग्स कितने देर में आए और रैंडी ऑर्टन की रोमन रिंग्स ने रेजिडेंसी भी गवा दी। देखो इतने लेट आए कि उन्होंने रेजिडेंसी इस्तेमाल करनी पड़ गई उनको, जबकि मौजूद थे आसपास ही। पता नहीं क्या सिलो हैं दोनों ही। एले नाइट तो भाई बहुत ही फुर्ती आज इसके अंदर। एले नाइट में आज लग रहा है एले नाइट नाइट और डेथ दोनों की पावर लेकर आए हैं। क्या कर रहा हो रैंडी ऑर्टन, आ गए अपने। चलिए बचा लिया गाइस, बनना तो भी लग चुका था उनका भी फिनिशर। एक डीडीटी और बहुत ही बढ़िया। चलिए सिग्नेचर के आ गए, खा लिया। चलो कवर करेंगे, बचा लेंगे। वैसे तो ये एज स्टाइल है यहाँ पर। अब क्या बेहतरीन किक मारी है रोमन ने एज स्टाइल के, और उधर वो भी बच गए। ये देखिए गाइस बहुत ही बढ़िया मैच चलता हुआ यहाँ पर। अभी लग रहा है ये टीम भारी ली थी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ ये टीम पे, तो ये भारी लग रहा है दोनों एज स्टाइल और एले नाइट। अगर ये गलती ना करे तो ये एले नाइट पे तो काबू पा लेंगे, जीत लेंगे मैच। ये एले नाइट को अगर हरा दिया था इन्होंने क्योंकि एज स्टाइल अकेले पड़ जाएंगे। चांस है अभी इस टाइम कर सकते हैं इनको नॉकआउट। आरकेओ लगा दो बस, अब आरकेओ में लेट मत करो। 1 तो आरकेओ आया हुआ, आरकेओ लगा दो, गलती ना करना। अरे गलत आदमी को आरकेओ लगा दिया यार, एज स्टाइल को लगा दिया, लगाना था एले नाइट को। ये एले नाइट को बचाया है एज स्टाइल ने अपनी आहुति देकर, अपनी बलि देकर। एक वरना ये लग चुका होता तो गए थे। ये डीडीटी कवर कर लो जल्दी से, बस आ जाओ जल्दी। कहाँ रेफरी यार, कहाँ घूम रहा है। 1 इतनी देर में किक आउट कर दिया उसने। रेफरी भी पता नहीं कहाँ था भाई इतनी देर में आया। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है मैच में। इन्होंने तो मैच में एक तरफा मैच को कितना लंबा खींचवा दिया इन दोनों ने। वरना अगर आरकेओ लग गया होता ना एले नाइट को तो एले नाइट बाहर हो जाता। एज स्टाइल ने आके अपने आप को आगे कर दिया, तो इन्होंने बेवकूफ़ ने रैंडी ऑर्टन ने इसी को लगा दिया एज स्टाइल को। ये गलती हुई है यहाँ पर मैच में, इसका भुगतना पड़ेगा खामियाजा इन दोनों में से किसी न किसी एक को। अब लग रहा है मेरे को तो यहाँ पे एले नाइट कोशिश कर रहे थे वापसी आने की, लेकिन रैंडी ऑर्टन ने सारी उनकी पानी फेर दी पहले कराए थे। और यहाँ पे डीडीटी लगा के थोड़ा सा धराशाई कर दिया इनको कि टैग देने जा रहा है, और ये कितनी आसानी से टैग दे देंगे। ये गलती करी है रैंडी ऑर्टन ने मुझे लग रहा अभी, और उसका खामियाजा ने भुगतना पड़ जाए इनको। वो कंट्रोल ले रखा था मैच के अंदर, वो कंट्रोल गवा दिया जिस स्टाइल के आते ही। चलिए कवर करेंगे आज ये। 1 2 किक आउट, रेजिलेंसी जा चुकी है रैंडी ऑर्टन की। अब मुश्किल इनका बचना शायद। अब ये ऐसा ना हो ये स्टाइल को भारी कर दें, एलिमिनेट कर दें। वाजी वाह क्या बेहतरीन मूव चल रहा है एज स्टाइल का। जाके टैग दे दो, देखो देने नहीं देंगे टैग, मिल के दे दिया। चलो लेकिन पूरी तरीके से तैयार हैं यहाँ पर एज स्टाइल। ये देखिए पैरों पे हमला करा, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एज स्टाइल पूरी तरीके से सोच के बैठे हैं किस तरीके से सामना करना है इन दोनों का। पूरी रणनीति के साथ खेल रहे हैं इस टाइम मैच ये, इनकी रणनीति दिखाई दे रही है मेरे को एज स्टाइल की। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, कौन जीतता है। रोमन रिंग्स ने पलटवार करते हुए कंट्रोल लेते हुए कवर करा। 1 किक आउट, पहली दफ़ा में किक आउट कर रहा है हर दफ़ा में। अभी तो 2 काउंट नहीं हुआ नदी किसी के भी इन्होंने। रोमन रिंग्स दिखा दो कमाल अपना, मार दो सुपरमैन पंच। सिग्नेचर फिनिशर दोनों ही चमक रहे हैं तुम्हारे, फौरन लगा दो अगर गलती ना करो। ये अगर गलती करोगे तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा। आज एज स्टाइल में कुछ ज़्यादा ही फुर्ती दिखाई दे रही है। पावर बम 1 हैंड, चलिए जल्दी से कवर करिए आके। ये जा रहे हैं टैग देने के लिए और रिवर्सल कर दिया। मानने गए थे एज स्टाइल को लेकिन रिवर्सल कर दिया उन्होंने। चलो क्या हो रहा है ये,
ग्लिच हो गया क्या? वो चलते चले आ रहा है वो तो। टैग दे दो जाके जाओ, हो गया मैदान भी, रिंग भी पूरा हो गया क्या? मैदान में घूम रहा हूँ। अरे दे दो, क्या हो गया? गाइस ग्लिच हो गया छोटा सा एक। अब जब तक इनको माननी पड़ेगी ना, जब तक इनको ध्यान नहीं आएगा मैं कहाँ पर हूँ, मैं कहाँ रेंग रहा हूँ। चलो जी ख़त्म, इनका ग्लिच ख़त्म हो गया। ये देखिए क्या बेहतरीन मूव था, यहाँ पर सारी संभावनाएं ख़त्म कर दी टैग की तो इन्होंने, रोमन रिंग ने। सुपरमैन पंच के लिए गए गाइस, बचा लिया एजे स्टाइल ने, बचा लिया गाइस। ये भारी ना पड़ जाए रोमन रिंग्स को। ये फिर रिवर्सल हुआ गाइस, चलिए बहुत बढ़िया, रिवर्सल पे रिवर्सल। अभी लग रहा है मेरे को कुछ रोमन रिंग्स कुछ करेंगे गाइस। चलिए एक सुपरमैन पंच की तैयारी है मुझे लग रहा है, बचा लिया फिर दोबारा। अब गाइस आज एजे स्टाइल के अंदर कुछ ज़्यादा स्टाइल दिख रहा है मेरे को। अरे भाई गए, मुझे लग रहा है रोमन रिंग्स गए। जल्दी बचा लो रेंडी ओटन आके, 1 2 3। आप बाहर हो गए यार, क्या करा है इन्होंने आज, ये रेंडी ओटन ने बचाने भी नहीं आए। चले जी इनकी, इनको भी लगा दिया सबमिशन मूव में गाइस। आज कितने कहा रोमन रिंग्स और दोनों को बाहर, मुझे लगा यही ना कर दिया अकेले, तड़पा दिया ना उधर रेंडी ओटन को। चलिए कर दिया टैप आउट, आज तो मुझे लग रहा है रेंडी ओटन और दोनों का अकेले ही निपटा दिया। रोमन रिंग्स को भी एजे स्टाइल ने क्या खा कर आता है, एजे स्टाइल क्या मैच कराया गाइस, एजे स्टाइल ने अकेले दम पे मैच जीत लिया गाइस। चलिए गाइस इस मैच को यहीं करते हैं डी एंड, मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।